गिर रही हो। ओके गूगल, गूगल ओके, अरे गूगल ओके, अरे गूगल ओके उड़े को नहीं, मेरा गूगल सुन ही नहीं रहा है आज। देखो हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू 98th व्लॉग ऑफ माइन। आई एम सो हैप्पी दैट दिस इज अबाउट टू गोइंग टू बी 100th व्लॉग वेरी सून। ठीक है, और आज क्या हो रहा है यहाँ पे, ड्यू टू कोविड प्रिकॉशंस मैं ना दोनों को स्कूल नहीं भेज रहा हूँ, तो ये बैठ करके यहाँ अपना कुछ तो इंग्लिश में काम कर रहा है। और आदित्य बाबू के लिए हम लोग अभी है ना ये नई टेबल लेके आए थे पढ़ाई करने के लिए, तो ये टेबल है और इसके अंदर इसमें बॉक्स भी बना हुआ है जिसमें ये अपना सामान रख सकता है, कॉपी रख सकता है, और ये कॉफी टेबल है। तो आदित्य बैठ करके यहाँ पे है ना 20 तक की काउंटिंग लिख रहा है। नहीं गिर देंगे नीचे, वो नीचे नहीं गिरते हैं। ठीक है, तो रही है पढ़ाई। और इधर धोया गया है आज बाहर का हिसाब किताब। अब मैं जा रहा हूँ सामने पार्लर ओपन करने के लिए। चाय पीने का मूड हुआ था तो नितेश की दुकान से चाय लेकर के आया हूँ। अब इसको देखते हैं कितनी चाय आती है इसके अंदर, कब बरिस्ता है नहीं बरिस्ता। तो ये कब भर गया है और ये ग्लास है छोटी सी, इसमें भी चाय आ गई है। तो थैंक यू सो मच नितेश फॉर योर टी। तो मैं जा रहा हूँ अभी, वाइपर चल गया बिना पानी के, स्क्रैचेस हो गए कांच के ऊपर बारीक बारीक। वैसे मैं ख्याल रखता हूँ इस बात में कि ऐसा नहीं है, बट गलती से हो गया। इतने दिनों बाद में राहुल से मिलने के लिए, इतने दिन उसकी वेडिंग सेशन था, तो वेडिंग सेशन की वजह से ही वॉज क्वाइट बिजी, और अब भी उसने कॉल किया है। Let's make move now. चलते हैं, हम पहुंच गए राहुल बाबा की दुकान पे। चलिए मिलते हैं उनसे, दोनों बच्चे ने यही होना चाहिए प्रॉबेबली। I was right. हेलो, हाउ आर यू? फाइनली आफ्टर मंथ, ऑलमोस्ट अ मंथ, एक महीना बाद। नाइस टू सी यू। सेम इट। अब रुपए तू ओके गूगल, गूगल ओके, अरे गूगल ओके, अरे गूगल ओके उड़े को नहीं, मेरा गूगल सुन ही नहीं रहा है आज। देखो तो अभी आदित्य ने बोला था सैंडविच लेके आना, तो उसके लिए सैंडविच ले लेते हैं। कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे। चलिए सैंडविच लेके आते हैं। भैया सैंडविच देना एक। तो अभी मैं सैंडविच बना रहा था ना, सैंडविच बनवा रहा था ना, तो वो लड़का है तो बातचीत कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग अबाउट मजदूर कार्ड बन रहा है अभी गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप लोग भी अगर चाहें तो बना सकते हैं। 16 साल से ऊपर की एज है जिनकी, वो लोग मजदूर कार्ड बनवा सकते हैं। और इसमें बेनिफिट ये है कि 2 लाख का इंश्योरेंस हो जाता है एंड ऑल दैट, और बनता ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑनलाइन। तो जो इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके अपना मजदूर कार्ड बनवा सकते हैं। चाहिए इसके लिए आपका बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड नंबर, ये दो चीज़ें चाहिए, आपका मजदूर कार्ड बन जाएगा। ठीक है, बनवाना चाहिए। 2 से 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, और कोविड जैसी आपदा आती है तो सरकार की तरफ से फिर 2-3 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये जो भी है उसकी सहायता भी मिलती है। जो भी लोग नॉन इनकम टैक्स पेयर हैं और जिनके भी सरकारी नौकरी नहीं है वो लोग ये कार्ड बनवा सकते हैं, तो ज़रूर बनवाना चाहिए। और इसमें एक पेंशन का सिस्टम भी है, मतलब 3 हज़ार रुपये महीना पेंशन मिलती है 60 साल के होने के बाद में। वो कैसे मिलती है मैं बाद में बताऊँगा। ठीक है, अरे आ गया हूँ और यहाँ अंदर हो रहा है नाटक आदित्य का।
ये देखो ये रहा आदित्य। हाँ भाई तो बन और लोग भी तो आते हैं ना लेने के लिए। तो दबा क्यों रहा है इसको? इन्हें मैं प्लेट लाऊं आप डाल दीजो। देखो ये यहाँ पे मोबाइल में पढ़ाई कर रहा है और साथ को सैंडविच खाना है। आदित्य ने और कौन हाथ लगा सके? खाएगा क्या तू सैंडविच? देखो चेहरे की मुस्कान देखो। यहाँ पर है ना आदित्य को देखो, अभी उसको डांटा था मम्मी ना, ठीक है तो क्या कर रहा है दिखा तुम। देखो उसको आज एक्स्ट्रा फुर्ती है और एक्स्ट्रा खुश है क्योंकि आज जा रहे हैं ये अपने घर। छोड़ू तो नहीं अभी। अभी क्या है हम लोग है ना जा रहे हैं श्वेता जी के पियर और है ना आज फिर से मास्क मिल गए, जल्दी जल्दी में निकलते हैं। लोगों से तो कम नहीं है, लोगों के तो मैचिंग के मास्क इस इसकी मैचिंग का भी है, पड़ा है वहाँ पड़ा था पता है। हम लोग मास्क भूल गए थे घर पे तो बना लेते हैं मास्क यहाँ से। आइए कोई बात नहीं, पहले पसंद कर लो फिर उठा देंगे इनको। बैठते इसीलिए ही हैं कि भाई कस्टमर आएंगे। हाँ या उसके यहाँ से ले लें, वहाँ रतना डा चल ही रहे हैं। हम लोग आ गए खिलौनों की दुकान में, आदित्य के लिए सब्सिडी नहीं माधव के लिए सब्सिडी लेनी है। तो क्यों लेना है, नया कुछ आया क्या? ये तो थी लास्ट। हाँ हाँ नॉर्मल देना यार, वो फाड़ देता है, पहले भी ले गया था मैं। तो अभी हम लोगों ने जो यहाँ पर एक बोर्ड गेम खरीदा है जिसके लूडो स्नेक एंड लैडर्स है, ठीक है, और हमारे लिए भी सरप्राइज था ये मम्मा लेके आ रहे हैं और ये आदित्य इसके पीछे पड़ी है। ये माधव का है बेटा, ये तो ये है सांप सीढ़ी ना, ये ऐसे लूडो मेरे पास लूडो अपन तो फोन में खेलते हैं, वो है माधव खेलेगा इसमें है ना। पता है लूडो दोनों खेलेंगे, दोनों खेलेंगे। हम लोग आ गए हैं बच्चों के ननियाल, आइए चलते हैं अंदर। ऐसा मत कर,
उल्टा है तो अभी हम लोग है ना चित्रांश को अपने साथ लेके जा रहे हैं। इसकी मम्मा खाना बना रहे हैं। ये चित्रांश यहाँ पे पीछे भी है ना वो है। मैं भी उतरूं? नहीं बेटा कोई नहीं उतरेगा। मैं तो उतर जाऊं। किस लिए क्या काम है? देखना है फिर सब बच्चे उतरते हैं ना। मुझे भी उतरना। नहीं बेटा नहीं कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं देख ये देख। तो ये है प्लॉट यहाँ पे है। हाँ आयुष आंगन दूर है और ये है यहाँ पे शायद हम लोग कभी आकर के रहे। सफाई करवाई है किसी ने क्या कचरा ही जलाया ऐसे ही है। तो देखते हैं किचन में क्या बन रहा है। क्या बना रहे हो ऐशु? पूरी बना रहे हैं पालक की पूरी और कलरफुल वाली पूरी बना रहे। अच्छा और आदि माधव आप क्या कर रहे हो? अभी हम लोग खाना बना के बाहर है ना। हम लोग बाहर आके लकड़ी का जाल बनाने वाले हैं। हां ऐसे ही तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं। ये कुशाग्र है ना ठंड कितनी है। कुशाग्र है ना नानागर आता है और पता नहीं कहाँ चला जाता है। इसकी वजह से बच्चों के गाल जल्दी फट जाते हैं। हाँ खुला है ना काजरी है पास में इसलिए और है ना इधर उधर कहीं तो चला जाता है। और अब हम लोग उसको लेने जा रहे हैं पता नहीं कहीं तो चला गया है। पता नहीं कहाँ गया है। मैं और श्वेता हम दोनों जा रहे हैं ढूंढने के लिए उसको। शायद यहीं कहीं होगा। ये रहा देखिए यहाँ पे खेल रहा है बिना बोले आ गया। घर नहीं चलना है खाना नहीं खाना है। तो ये लड़की कैसे गई अंदर कूद के? ये इनको इनको जाने की परमिट है कुछ लोगों को बाकी वो जाने नहीं देते। क्यों क्या पता चाबी दो जनों के पास भी है। पापा जी की कुछ मेडिसिन लेनी है और हम अभी घर जा रहे थे तो रास्ते में केमिस्ट की शॉप है तो यहाँ से मेडिसिन ले लेते हैं। आइए पापा जी की सेवन डबल सिक्स। हाँ नहीं कुछ नहीं वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ उनको पता है। ये दवा इंडिया की शॉप है और यहाँ से मैंने ना अभी वो लिया है एस्प्रिन का पत्ता लिया है विच कॉस्ट मी 5 rupees ओनली। ठीक है तो ये काफ़ी चीप प्राइस में मिलती है यहाँ मेडिसिन तो यू कैन ट्राई ओवर हियर टू। पापा का ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहे हैं बीपी क्या है और पता लग जाएगा। 12 बज गए कोई बात नहीं आप जाओ सुलाओ उसको। तो मैं अभी यहाँ बैठा हुआ था एंड मैंने अभी है ना इनका थोड़े टाइम पहले पैन कार्ड अप्लाई किया था ऑनलाइन ई पैन कार्ड। तो मुझे डीमेट अकाउंट ओपन करवाना था तो मैंने अप्लाई किया उसके लिए ना। तो ई पैन कार्ड जो होता है ना उससे अब स्टॉक्स में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं होता है। आई वॉज पजल्ड अगेन क्या करूँ। तो अभी ऑनलाइन आई वॉज जस्ट चेकिंग इट आउट कि मतलब ये कैसे पैन कार्ड को करेक्ट करके फादर्स नेम और सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। तो उसका 106 rupees चार्ज लग गया मेरे को एंड दैट पैन कार्ड विल गेट डिलीवर्ड एट माई होम वेरी सून। उसके बाद विल ओपन अ डीमेट अकाउंट फॉर हर एंड हाँ कल एक और बात हुई क्या पता है
यहाँ पे कैंप लगा था, क्या बोलते हैं उसको, ई श्रम कार्ड, मतलब मजदूर कार्ड बन रहा है अभी कोई तो इसमें क्या होता है ना कि 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है एक तो, उसके अलावा अगर किसी तरह का कुछ अगर गवर्नमेंट से अनुदान आना होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के लिए और कामगारों के लिए है ये, जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज है अलग अलग, तो मैंने मेरा भी बनाया है उसके अंदर क्योंकि मेरी कैटेगरी उसमें आती है ब्यूटिशियन की। तो ये ई श्रम कार्ड के ना लोग 200 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये कुछ भी ले रहे हैं मतलब, ठीक है, जबकि फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है ऑनलाइन। सीरियसली आई वॉज रियली, मतलब मैं एकदम ऐसे हो गया। और उसके बाद मुझे एक चीज़ और पता लगी कि ये कार्ड जिन लोगों के पास में है ना, उन वो लोग मानधन पेंशन योजना के लिए भी है ना अप्लाई कर सकते हैं, और 18 से 40 साल के बीच की एज होनी चाहिए उन लोगों की। तो अगर आपकी भी एज 18 से 40 साल के बीच में है और अगर आप एलिजिबल हैं ई श्रम कार्ड के लिए, मतलब ई श्रम कार्ड उन लोगों का बनता है जिन लोगों का गवर्नमेंट जॉब नहीं हो और जो टैक्स पेयर नहीं है, उन लोगों का ई श्रम कार्ड बनता है। तो इसमें मानधन पेंशन योजना जो है ना, इसके अंदर कैसा है कि सपोज जैसे आई एम 38 गोइंग टू बी इन अप्रैल, तो 38 वालों को 180 रुपये महीना देना है और 180 रुपये गवर्नमेंट अपनी तरफ से डिपॉजिट करेगी, तो टोटल 360 रुपीज़ डिपॉजिट होंगे। और मैं अगर आपको बताऊं कि मेरा टोटल डिपॉजिट कितना होगा, मैं इसके अंदर है ना मतलब मेरी तरफ से तो मैं 180 रुपये ही जमा कर रहा हूँ, 180 मल्टीप्लाइड बाय 12, और 38 मेरी एज है, तो अगर मैं 60 साल का जब कंप्लीट हो जाऊंगा उसके बाद मैं आई बी गेटिंग 3000 रुपीज़ पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट, तो मैं 2160 रुपये दूंगा एक साल में, ठीक है, और मैं दूंगा ये टोटल मतलब 40 से फिर 50 और फिर 22 साल लगभग 22 ईयर्स, 2160 मल्टीप्लाइड बाई 22 साल, तो मैं टोटल 47,520 रुपये गवर्नमेंट को पे करूँगा, और गवर्नमेंट जो है 47,520 रुपये जो ये अमाउंट आपको नज़र आ रहा है ना, ये मुझे हर महीने मतलब बतौर पेंशन पे करेगी, ठीक है। तो 47,520 को अगर मैं महीने में 47,520 को अगर मैं महीने में डिवाइड कर दूं 12 से, तो एक ही साल में 3,960 हो जाता है भाई। मतलब अगर मैं सपोज 65 साल 70 साल की एज तक जिंदा रहता हूँ तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 10 साल अगर रह जाता हूँ जिंदा, तो 360,000 रुपये पे कर देगी। आई मीन दिस इज़ फैंटास्टिक। एंड इवन दो मतलब अगर आपकी डेथ हो जाती है तो 1500 रुपये आपकी वाइफ को भी पेंशन मिलेगा आपके बाद में, तब तक जब तक वो रहेंगे, और हस्बैंड वाइफ दोनों अगर ई श्रम कार्ड बना लेते हैं तो उनको 6000 रुपये महीना गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन आएगी। दिस इज़ फैंटाबुलस, मतलब सब लोगों को इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। महंगाई कितनी भी हो जाए लेकिन पेट पालने के लिए ना महीने का 6000 रुपये बहुत होता है बॉस, ठीक है। एंड दिस इज़ अ वेरी कूल मतलब योजना गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो भी लोग इसमें आ रहे हैं उनको ज़रूर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। प्लीज़ गो अहेड एंड डू दिस थिंग, ठीक है। बाकी स्टॉक मार्केट तो है ही है जिसके अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और लगभग पिछले 6 महीने के अंदर मैंने 10,000 रुपये के कुछ 30-35,000 रुपये कर लिए, तो वो तो है ही है, मतलब उसमें रिस्क भी ज़्यादा है और ये सिक्योर है। तो हर एक चीज़ अपने पास में होनी चाहिए, सिक्योर भी होना चाहिए और रिस्क वाला भी होना चाहिए, क्योंकि रिस्क वाले में रिटर्न ज़्यादा मिलता है ना, वो तो आपको पता ही है। तो ठीक है, और आज के ब्लॉग में फ़िलहाल बस इतना ही, इससे ज़्यादा अब और मैं कुछ बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, ठीक है। और मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको अपने ब्लॉग में बताता रहूँ, जैसे ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे बनेगा, आधार कार्ड में अगर कुछ चेंजेस करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो एक स्लॉट रखेंगे अब आज के बाद में रात के टाइम पे, तो हेल्थ से रिलेट करता हुआ कुछ या डॉक्यूमेंट्स से रिलेट करता हुआ कुछ या कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज की जानकारी अगर कुछ होती है जो ऑनलाइन मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो वीडियो अगर पसंद आया आपको तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, अपने दोस्तों से बात करें हमारे चैनल के बारे में, और मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए सी यू सून, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू, बाय।